नमस्कार, मैं हूँ प्रीति रॉय और आप देख रहे हैं स्वदेशवाणी। झारखंड में पिछले 1.5 महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण कोरोना के मामले में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आज सीएम हेमंत सोरेन बैठक के बाद बड़ा फैसला ले सकते हैं। वहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि पाबंदियों पर अब ढील मिल सकती है। राज्य में कोविड-19 संक्रमण की घटती रफ्तार को देखते हुए रांची समेत राज्य के 9 जिलों में कपड़े, जूते, चप्पल, कॉस्मेटिक और ज्वेलरी की दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की जा सकती है। इसी के साथ राज्य में बंद रखे गए मॉल और मल्टीब्रांड दुकान खोलने पर भी लगाई गई पाबंदी हटाने पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियों का समय बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है और साथ ही सरकारी कार्यालयों का समय भी दिन के 2 बजे से बढ़ाया जा सकता है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि शादी ब्याह समेत अन्य सार्वजनिक समारोहों में शामिल होने के लिए निर्धारित 11 व्यक्तियों की संख्या में भी थोड़ी ढील की संभावना है। इसी के साथ सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 50 करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं राज्य के अंदर परिवहन के लिए ई पास की बाध्यता की प्रासंगिकता पर विचार किया जा रहा है। हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास की अनिवार्यता अगले आदेश तक बरकरार रखी जा सकती है। इन सभी खबरों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। आज सीएम हेमंत सोरेन अपनी अध्यक्षता में एक बैठक करेंगे, जिसके बाद इन सभी अहम फैसलों पर कुछ निर्णय लेंगे। धन्यवाद। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।